पुत्र जन्म तो हो गया, महादेवी कहां जा रही इस समय? भाई महाराज, बधाई हो भाई महाराज। ये देखिए मगध नरेश का संदेश, युवराज सिद्धार्थ के पुत्र राहुल शुभ शगुन लेकर आए। मगध नरेश ने हमारी भेजी हुई मंत्रणा की प्रार्थना स्वीकार कर ली है और मंत्रणा के लिए आमंत्रित भी किया है। और ये लिखा है कि वो इस बात से अति प्रसन्न है कि शाक्यों की ओर से मंत्रणा करने स्वयं युवराज सिद्धार्थ आ रहे हैं। बस अनुज, एक बार मगध से संधि हो जाने दो, फिर देखता हूं कि प्रसन्नजीत कैसे हमारे और आंख उठाकर देखता है। शाक्यों के सारे विरोधी नामशेष रह जाएंगे। अनुज, शीघ्र से शीघ्र युवराज के मगध जाने का प्रबंध करो। अवश्य भाई महाराज। नहीं बांधुल, यह असंभव है। मगध नरेश ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। समधी हमारे और हमारे शत्रु से मंत्रणा, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम अवश्य कहीं चुके हो बांधुल। क्षमा करें महाराज, पर उन्होंने स्वयं युवराज सिद्धार्थ को मंत्रणा के लिए आमंत्रित किया है। युवराज सिद्धार्थ को? जी महाराज, और उनकी मित्रता तो आपने सिद्धार्थ के विवाह में देखी ली है। और वैसे भी महाराज बिंबिसार हमारी तुलना में शाक्यों से अधिक प्रभावित है। अर्थात हमें इस मंत्रणा को रोकना होगा बांधुल। जी महाराज। तुम आज ही मगध के लिए प्रस्थान करो। लोगों में यह समाचार फैलाओ कि तुम हमारी बहन वैदेही के लिए कुछ भेंट लेकर मगध जा रहे हो, और लौटते समय मगध और कपिलवस्तु के मार्ग पे पड़ाव डालोगे, और सिद्धार्थ के मगध पहुंचने से पहले ही तुम उसे मृत्यु के घाट उतार दोगे। हम कहेंगे कि मगधवासियों ने अपराध किया है। अपराध मगध में होगा और मित्र शत्रु हो जाएंगे। हम यहां से कपिलवस्तु पर आक्रमण करेंगे, दूसरी ओर से तुम दोनों तरफ से कपिलवस्तु को घेर लेंगे, उध्वस्त कर देंगे। हाँ, बस ध्यान रहे सिद्धार्थ जीवित ना रहे। जी महाराज। आर्यक, तुम युवराज सिद्धार्थ के साथ अपने सैनिक लेकर मगध जाओगे और युवराज को पूरी सुरक्षा प्रदान करोगे। जी महाराज। उनकी सुरक्षा अर्थात हमारी सांसें महाराज, हमारे गुप्तचर पूरे मार्ग पर आंखें बिछाए बैठे, जरा भी संदेह होने पर वो हमें सूचना देंगे। महादेवी आप यहाँ? क्षमा करें महाराज, पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एकांत। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं देव? कैसा अनर्थ देवी? मैंने सुना आप युवराज को मगध भेज रहे हैं। मैं नहीं भेज रहा हूँ देवी, उसके लिए आमंत्रण आया है। परंतु क्या ये अनर्थ नहीं कि जिसे कपिलवस्तु की सीमाओं के बाहर जाने की भी अनुमति नहीं दी आपने, आज उसे इतनी दूर मगध भेज रहे? समय समय की बात है, तब मेरे मन मस्तिष्क पर केवल असित मुनि की भविष्यवाणी ही गूंजती थी कि सिद्धार्थ सन्यासी बनेगा, परंतु अब वो भय नहीं। सिद्धार्थ बड़े हो गए, एक क्षत्रिय के भांति शस्त्र और शास्त्र में परिपूर्ण है, अपना भला बुरा भली भांति समझते, विवाह कर चुके हैं और अब तो उनकी गोदी में पुत्र भी है। अब मैं निश्चिंत हूं कि वो संसार से विमुक्त हो ही नहीं सकते। मगर नरेश महाराज बिंबिसार उन्हें अपना मित्र मानते हैं। मंत्रणा का सुझाव स्वयं सिद्धार्थ का था, इसलिए मैंने उसे अनुमति दे दी। परदेव, चिंताओं को त्यागो महादेवी,
और आज से ही तैयारियां प्रारंभ कर दो। मगध से लौटते ही मैं युवराज का राज्याभिषेक कर दूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। मेरी बात को समझिए दे, यदि आप सिद्धार्थ का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, तो उसे मगध ना भेजें। मार्ग विकट है, राह में कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा उसे, हमारा क्षत्रिय सैकड़ों पर भारी है। किंतु गृहमान उससे भी अधिक भारी। 40 दिन। युवराज के पुत्र को कुछ नहीं होगा महादेव। अपने मन और आंखों से कहो कि भय को निकल बाहर करो और इसी स्वप्न को दोहराए जो हमने आज तक देखा। युवराज सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का स्वप्न। कैसे कहूं महाराज कि पिता से वियोग के गृहमान लेकर संतान पैदा हुई है। भय मुझे सिद्धार्थ के लिए है। अब क्या करूं, कैसे रोकूं सिद्धार्थ को मगध जाने से। बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? यीशु, क्या तुम्हें सिद्धार्थ के मगध जाने की सूचना मिली? हाँ, कुछ देर पहले लौशिका ने बताया, महाराज बिंबिसार ने उन्हें आमंत्रित किया है। तुम्हें सिद्धार्थ को मगध जाने से रोकना होगा। पर क्यों माँ? महाराज और आप भी तो यही चाहते हैं कि युवराज सांसारिक बातों में राजनीति में रुचि लें। और आज जब वो आज भी वही चाहते हैं यीशु, पर कारण कुछ और ही है। और क्या कारण है मां? कारण वो है जो मैं आज तक तुमसे छुपाती है। कारण वही जिस कारण तुम्हारा प्रथम गर्भ होने पर भी मैंने गोद भराई की विधि नहीं होने दी। कारण वो है कि आज तक तुम राहु जाप करती रही और अब मैं स्वयं राहु की पूजा विधि कर रही हूं। गृहमान भारी, राहुल के भाग्य में पिता का सुख नहीं। मृथा, सिद्धार्थ की मृत्यु या सिद्धार्थ से भी हो। इस बात से ज्ञात नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती। यदि भूल से भी महाराज तक ये बात पहुंच गई कि राहुल का जन्म सिद्धार्थ पर भारी, वो राहुल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यीशु, तुम जानती हो कि महाराज सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करते। यीशु, बस तुम ही हो जो सिद्धार्थ को मगध जाने से रोक सकती हो। यीशु, कुछ भी करो, कुछ भी करके सिद्धार्थ को मगध जाने से रोक लो। ओम राहवे नमः, ओम रावे नमः।
ओम रावे नमः, ओम रावे नमः। आप कुछ भी कर लीजिए कुलगुरु, युवराज सिद्धार्थ इन बलि प्रथाओं को नहीं मानते, वो कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। चिंतित ना हो मात्य, पर्याय उपाय हैं। मैं केवल यज्ञ स्थल पर युवराज सिद्धार्थ की उपस्थिति चाहता हूं और इस शस्त्र पर उनका स्पर्श। पर मैं एक बार प्रयत्न अवश्य करूंगा कि युवराज स्वयं बलि चढ़ाए। तब तक मैं ना कहूं, बलि को युवराज के सामने ना लाया जाए। जो आज्ञा। आपने अब तक बताया नहीं काकश्री, पर यह रास्ता तो अभ्यामा के मंदिर की ओर जा रहा है। हम वहीं जा रहे हैं युवराज। क्यों? आपके हाथों हर मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। महादेवी ने आपके प्राणों की सुरक्षा के लिए स्वयं कुलगुरु वाचस्पति द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया था। आज उसी यज्ञ की पूर्णाहुति आपके हाथों होनी है। ओम रावे नमः, ओम रावे नमः। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान, ये पूजा पाठ, ये जप किस लिए? आपने एक प्रश्न पूछा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। जी। आप अपनी माता महादेवी प्रजापति से कितना स्नेह करते? अपने प्राणों से भी अधिक। यूं समझ लीजिए कि यह यज्ञ उनकी खुशी के लिए। आप मन में बिना किसी संदेह के ये विधि संपन्न कीजिए। आयुष्मान भव। विजय भव। युवराज, अब इस आहुति को यज्ञ में डालिए। ओम रावे नमः, ओम रावे नमः, ओम रावे नमः, ओम रावे नमः, ओम रावे नमः। युवराज, ओम रावे नमः। इसे स्पर्श कीजिए। अब इसे तिलक लगाइए। वो किसने? जो शस्त्र सुरक्षा करे उसकी पूजा भी तो करनी चाहिए। अब आप इसे लीजिए, हवन कुंड के 5 फेरे लीजिए और बाहर आइए। कोई संदेह नहीं, कोई भी सोच नहीं, ये यज्ञ आपकी प्रजा के लिए, आपकी माता की खुशी के लिए है। ये यज्ञ कपिल वस्तु के भावी सम्राट के लिए है। ये यज्ञ आपकी कुंडली में पड़े पापी ग्रहों के लिए है, जो आपके प्राणों की बलि चाहते हैं।
अब मेरे साथ बोलिए, अपने प्राणों की रक्षा हेतु, अपने प्राणों की रक्षा हेतु यह यज्ञ, यह यज्ञ, यह आहुति, यह आहुति, ये बलि स्वीकार करें, ये बलि स्वीकार करें। अब एक ही प्रहार से बलि का धड़ अलग करें। बोलिए अभय माता की जय, अभय माता की जय, अभय माता की जय। आपने क्या किया युवराज? ये आप उससे क्या करा रहे हैं कुलगुरु? ये बलि पूजा है, आपको मां अभय को बलि चढ़ानी है। क्यों, किस लिए? इस बलि के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। अर्थात अपने प्राण बचाने एक निर्दोष मूक पशु के प्राण हर लूं? ये सुनकर भी धिक्कार आता है कुलगुरु, आपको सोचकर नहीं आता। युवराज ये बलि आवश्यक है, शास्त्रों में लिखा है। पढ़ा है मैंने जो शास्त्रों में लिखा है, कथित ईश्वर को प्रसन्न करने अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करें, और मनुष्य को अपने प्राणों से अधिक कुछ प्रिय नहीं। पर वो अपने प्राण नहीं दे सकता, इसीलिए इन मूक पशुओं की बलि चढ़ाता है। यदि आप ये बलि नहीं देंगे तो राजा अभी तो दंडी बलि देंगे। मैं उन्हें भी रोकूंगा। युवराज तुम्हारे प्राणों से कपिलवस्तु का भविष्य जुड़ा है, इसलिए इस निर्दोष का भविष्य छीन लूं। यदि यह बलि नहीं चढ़ाई गई मृत्यु योग प्रबल होगा, तो मैं अपनी मृत्यु से स्वयं लड़ूंगा, पर जो लड़ नहीं सकता उसे मरने नहीं दूंगा। आ, आ, आ। एक प्रश्न आपने किया था, अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं। कपिल वस्तु से कितना स्नेह करते हैं आप? अपने प्राणों से भी अधिक। कपिल वस्तु को मेरी आवश्यकता है, मेरे लिए एक बलि की आवश्यकता है, तो आप स्वयं अपनी बलि दीजिए कुलगुरु। मेरे संकट भी टल जाएंगे और आपकी पूजा भी पूर्ण हो जाएगी। जो प्राण दे नहीं सकते वो प्राण ले भी नहीं सकते। देवी ये फूल खास राहुल के लिए है, इन्हें मैं यहाँ पे इस खिड़की के पास रख देती हूँ, इससे पूरे कमरे में इनकी सुगंध फैलती रहे। राहुल के आने के पश्चात ये कमरा जैसे महकने लगा है गुप। इसे भी मेरी तरह फूलों की महक बहुत पसंद है। लोशिका खास राहुल के लिए वाटिका से चुनकर फूल लाती है। ले 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 ले। आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैंने एक पशु के प्राण बचाए। वो कैसे? कुलगुरु वाचस्पति उसकी बलि देना चाहते थे, कहते हैं कि मेरे ग्रह विपरीत है इसीलिए बलि देनी होगी। अब तुम ही बताओ गोपा, मेरे ग्रह विपरीत हो रहे उस बेचारे प्राणी का क्या दोष? वो क्यों अपने प्राण गवाए? कहते हैं राहु दोष, और मैंने कहा कोई राहु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरा ये राहुल मेरे साथ है। क्यों राहुल? क्यों जा रहे हो उस राहुल को छोड़कर मगध देश?
तुमने कैसे जाना? तुम तो इस कक्ष के बाहर निकलती नहीं। पर मेरी दृष्टि हमेशा आप पर रहती है। फिर तो तुम इस बात से भी ज्ञात होगी कि क्यों जा रहा हूं। क्या आपकी जगह कोई और नहीं जा सकता? इस समय मुझे और राहुल को आपकी बहुत आवश्यकता है। कुछ ही दिनों की तो बात है कुब, अर्थात आपके लिए मगध जाना हम दोनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मगध जाने से कपिल वस्तु सुरक्षित रहेगा, मगध से व्यापार बढ़ेगा तो लोग सुखी होंगे। मेरा जाना मेरे लिए नहीं, लोक कल्याण के हेतु है। पीड़ा हुई सुनकर हम दोनों की तुलना में लोक कल्याण अधिक आवश्यक है। गोपा, गोपा, मैं चाहता हूं तुम मेरी शक्ति बनो, मेरा बंधन नहीं। मैं तो केवल आपकी सुरक्षा चाहती हूं। मार्ग में अगर आपको कुछ नहीं होगा मुझे गोपा, यदि मनुष्य को अपनी शक्ति पर विश्वास हो तो कोई ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, प्रकृति ने मेरा रास्ता फूलों से भर दिया। अब तुम भी मुझे हंसकर विदा करो। अब इसे भी मनाना होगा। यशस्वी भव, तुम्हारी मगध यात्रा सफल हो पुत्र। सफलता मिलेगी या नहीं ये मैं नहीं जानता पिताजी, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि मेरे प्रयत्नों में कोई कमी नहीं होगी। मगध के वासी लगना चाहिए तुम सब, ऐसा स्वंग रचो कि कोई पहचान ना पाए। लगना चाहिए कि किसी बारात ने पड़ाव डाला। कहो क्या समाचार लाए? दूर दूर तक कोई मनुष्य दृष्टि में नहीं आता। दृष्टि चूकनी नहीं चाहिए, धूल भी उड़े तो समझो शत्रु का आगमन है। चौकन्ना रहो और कोई पूछे तो कहना है। क्या कहना है सेनापति जी? कहना क्या है? मगध से कपिल वस्तु की तरफ जाना है और इस घड़ी के बाद कोई भी कौशल नरेश की बात नहीं करेगा। पहरा बदलते रहो, चेहरे पर पथरीले रंग लगा दो, चट्टानों पे छुप जाओ, कुछ रास्ते के मार्ग में छुप जाओ, मार्ग के खड्डों में छुप जाओ। जाओ, अपनी सांसें भी संभाल कर लेना। हमारा सामना सिद्धार्थ से। चिंतित ना हो सेनापति जी, जंगल के हर पत्ते पर हमारी दृष्टि है। युवराज की जय हो। कहो शल्य, क्या आगे मार्ग भय रहित है? नहीं महाराज, आगे कौशल नरेश प्रसन्नजीत के सेनापति बांदुल ने अपने सैनिकों के साथ पड़ाव डाला है और प्रतीत होता है कि युवराज सिद्धार्थ के लिए वो घात बिछाए बैठे हैं। पर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते ही हैं, महाराज बिंबिसार की महारानी कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन है, उन्हीं के नाम कुछ भेंट लेकर आए थे, अब लौट रहे हैं। अर्थात भेंट तो एक बहाना था इस रास्ते पर पहुंचने का और हमारा रास्ता रोकने का। शल्य, हमारे सारे शक गुप्तरों को संदेशा भेज दो कि वो एकत्रित हो जाएं।
हमें बांधोल का सामना करना होगा। नहीं आर्यक, मैं युद्ध नहीं चाहता। आप चिंतित न हो युवराज, विजय हमारी ही होगी। मैं जानता हूं, मुझे तुम पर और हमारे सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, पर केवल अपने एक प्राण के लिए मैं इतने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। पर मगध पहुंचने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं युवराज? है आर्यक, पूर्व की चट्टानों को पार कर हम मगध पहुंच सकते हैं, और यही वो रास्ता है जो मुझे मगध को दिखाना है। किंतु वहां घोड़े नहीं जा सकते, वो चट्टानों का मार्ग है, बीच में दलदल भरी नदियां हैं, हमें चट्टाने चढ़ के जाना होगा, हमें हर पल खाई का खतरा बना रहेगा। हमें नहीं, केवल मुझे। आप सब यहीं रहेंगे ताकि बांदुल को यही लगे कि मैं यहीं हूं। आपकी सुरक्षा महाराज का आदेश है। आर्यक, कल प्रातःकाल मैं और चन्ना मगध जाएंगे, और ये मेरा आदेश है। महाराज की जय हो। क्या समाचार है मगध से? मोर्चे संभाल लिए गए महाराज, जाल बिछाया, बस आखेट की प्रतीक्षा कर। संदेश भेजो कि हील चाल गुप्त रहे, मगध नरेश तक ये बात ना पहुंचे। जी महाराज। महाराज की जय हो। अभी अभी कपिल वस्तु से समाचार मिला है कि युवराज सिद्धार्थ मगध की ओर निकल चुके हैं। इस बार अश्वमेघ के पराजय को मिटाना है और शाक्यों के परचम को उखाड़ फेंकना है। अगर हमारे सेनापति बांदुल विफल रहे और मगध नरेश को यह समाचार मिला तो अब जो हमारी विजय पर संदेह करेगा उसे देह दान करना होगा। तुम भीतर नहीं जा सकते। हमें महाराज बिंबिसार ने आमंत्रित किया। इस समय वो रंग भवन में, और किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं। पर उन्होंने हमें स्वयं आमंत्रित किया है मित्र। तुम्हारा परिचय? आप शाक्य देश के कपिल वस्तु से आए, युवराज सिद्धार्थ गौतम आपके महाराज बिंबिसार के मित्र हैं, और मैं इनका सेवक। युवराज और आप, हम कैसे मान लें? कहिए, क्या प्रमाण दें हम आपको? क्या तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र है? नहीं, इस समय तो नहीं। तो क्या तुम्हारे पास अपने राज की कोई मोहर है? नहीं, इस समय तो वो भी नहीं। तो फिर महाराज से मिलना भी नहीं हो सकता। हाँ, पर मेरे पास उनकी मित्रता की मोहर अवश्य है। ये मगध नरेश से मेरी मित्रता का प्रतीक है, देखते ही पहचानने के।
ये किस लिए? ये हमारी अति प्रिय अंगूठी है, इसे आप अपने पास रखिए, हमारी मित्रता का चिन्ह। युवराज सिद्धार्थ आए हैं। मगध राज्य में तुम्हारा स्वागत है मित्र। क्षमा करना, मेरे द्वारपाल ने आपको पहचाना नहीं। इसमें इनका कोई दोष नहीं, हमारी दशा ही ऐसी कि दर्पण भी पहचानने से मुख मोह ले। महाराज शुद्धोदन और कपिल वस्तु दोनों कुशल तो है? जी महाराज। युवराज, ये आपके वस्त्र को क्या हुआ? वो हम पूरब के मार्ग से आए, इसीलिए। पूरब के मार्ग से? क्या आप उन पहाड़ों से उतर कर आए हो? जी महाराज, ये विषय भी हमारी मंत्रणा का एक विषय है कि मैं पूर्व के मार्ग से आया क्यों है। मंत्रणा विस्तार से होगी, प्रथम भीतर चलिए, पहाड़ों की थकान दूर कीजिए। मंत्री से कहो अतिथि कक्ष की व्यवस्था की जाए, और जब तक युवराज सिद्धार्थ यहां है हम किसी अन्य से नहीं मिलेंगे। आइए। कुछ अतिथि महल के होते हैं और कुछ हृदय के। तो बांदूल आपका रास्ता रोके खड़ा था, इसी कारण आपने पूरब का मार्ग अपनाया। वाह, बड़ी चतुराई दिखाई आपने। अब वो आपका मार्ग में प्रतीक्षा कर रहा है और आप यहां मेरे साथ। युवराज, यदि मुझे पहले पता होता तो मैं अपने सैनिकों को आपको लेने के लिए कपिलवस्तु भेज देता। सैन्य दल तो मेरे साथ भी था महाराज, बांदुल का सामना हम सरलता से करते और उसे पराजित भी करते, परंतु मैं युद्ध नहीं चाहता था। अकारण ही दोनों ओर के सैनिक अपने प्राण क्यों खोए, और मेरा आपसे मिलने का यही एक कारण, मैं शांति चाहता हूं। कोई किसी से ना लड़े, सारी प्रजा सुख और शांति से जी। युवराज, आपके विचार तो अति उत्तम है, इसके लिए आपने क्या सोचा? शाक्य देश से रोहिणी नदी बहती है, जिस पर मैं सेतु बनवा रहा हूं, जो पूर्व की चट्टानों को जोड़ेगा, जिसको चीरते हुए मार्ग मगध तक पहुंचेगा। इस मार्ग के उपयोग से आपका लोहा पश्चिमी देशों और उत्तर भारत तक पहुंचाया जा सकता है। इस समय आप व्यापार कौशल के मार्ग द्वारा करते हैं, जिससे आपके प्रवास में दिन भी अधिक लगते हैं और जगह जगह भारी चुंगी भी देनी पड़ती है। यदि आप हमारे शाक्य के मार्ग से व्यापार करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आपको चुंगी भी एक ही बार देनी पड़ेगी, वो भी मित्रता के नाम पर। और आपसे हमारी मैत्री संधि के कारण कौशल नरेश प्रसन्न जी हम पर आक्रमण नहीं करेंगे, और कौशल आपसे युद्ध नहीं करते क्योंकि वो आपके संबंधी, और वैशाली गणतंत्र के साथ आपके और हमारे विचारधारा मेल खाती है, तो उसे चारों देशों में शांति बनी रहेगी, सभी सुखी होंगे, युद्ध और ईर्ष्या का अंत होगा और शांति का उदय। मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता? जी। क्या मैं आपका शीश चूम सकता? अवश्य। आपके विचार सम्माननीय है, आप सच कहते हो, युद्ध से कुछ प्राप्त नहीं होता। मैं मगध नरेश बिंबिसार आज से आपके साथ वचनबद्ध हूं सिद्धार्थ, जब भी मार्ग तैयार होगा मगध के सारे व्यापार उसी रास्ते से होंगे। किसी भी घड़ी में आपकी सहायता का अवसर मगध नरेश बिंबिसार अपना सौभाग्य मानेगा। राज! मगध नरेश, और युवराज की जय हो। क्या हुआ आलेख? युवराज, कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने कपिल वस्तु पर आक्रमण कर दिया है। आशीर्वाद! क्या? आपके प्रस्थान करते ही बांदुल ने हम पर आक्रमण किया, और फिर वो
कपिल वस्तु की ओर गया युवराज। अर्थात आक्रमण दो ओर से हुआ है, एक ओर से प्रसन्नजीत, दूसरी ओर से बांदुल। क्या ये समाचार हमारे गुप्तचरों तक पहुंचा? जी महाराज, ये सत्य है। कौशल ने अचानक से आक्रमण किया महाराज। युवराज आप चिंता ना करें, सेनापति अंगद से कहो कि सेना को तैयार करे, कूच आज ही होगी। मंत्री चरण को कहो कि हमारे तरफ से प्रसन्नजीत को यह संदेश भेजा जाए कि इस अनर्थ को रोक दे और इसी समय युद्ध विराम की घोषणा करे, अन्यथा मगध के साथ मित्रता भूल जाए। जी महाराज, मुझे आज्ञा दे महाराज, मेरा कपिलवस्तु पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। युवराज आप प्रस्थान करें, हमारे कुछ सैनिक आपके साथ रहे, आपके पैरों के चिन्ह के साथ ही वो आगे कूच करें। मगध आपके साथ है युवराज। जो भी घायल मिले तुरंत उपचार के लिए लेके जाओ। Thank you.
सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो